हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जी प्रिपरेशन। सो स्टूडेंट्स, हमने फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट किया था जिसमें हम कर चुके हैं जनरल फार्माकोलॉजी 1, जो इसका फर्स्ट यूनिट है फोर्थ सेमेस्टर का, वो हम कर चुके हैं। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल फार्माकोलॉजी 2, जो कि सेकेंड यूनिट है हमारे फोर्थ सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने फर्स्ट यूनिट नहीं देखी तो प्लीज़ पहले जाके आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल पे वो यूनिट देख सकते हैं, उसके बाद आपको ये जनरल फार्माकोलॉजी 2 अच्छे से समझ आएगा। हम जो भी आपको करा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू न्यू PCI सिलेबस है, एंड ये आपके कॉलेज एग्जाम्स एंड GPAT एग्जाम्स दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड आवर नेक्स्ट यूनिट जनरल फार्माकोलॉजी 2। तो स्टूडेंट्स, हमने जब जनरल फार्माकोलॉजी 1 किया था तो उसमें हमने पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में कंप्लीट। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है कि हमारी बॉडी जो हम ड्रग लेते हैं, इनटेक करते हैं, उसके साथ हमारा क्या एक्शन शो करती है, वो हम उसमें पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो इसमें हम जनरल फार्माकोलॉजी 2 में आज पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। जो ड्रग हम लेते हैं किसी भी डिजीज को ठीक करने के लिए, तो वो ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करता है, बॉडी में क्या एक्शन शो करता है, ये हम पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक्स में। इट इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी। जो हमारी ड्रग है वो अपनी बॉडी पे क्या एक्शन शो करती है और उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है, तो ये हम सारे इसमें पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक्स में। तो सबसे पहले हम इसमें एक वर्ड है एक्शन ऑफ ड्रग्स, तो इसको देखते हैं कि एक्शन ऑफ ड्रग्स क्या होता है। इट इज द प्रोसेस बाय विच द ड्रग और केमिकल सब्सटेंस इंड्यूसेस चेंज इन द प्री एग्जिस्टिंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब भी हम किसी ड्रग को इनटेक करते हैं, वो किसी भी पर्पज से हो सकता है, या तो हम उसको ट्रीट करना चाहते हैं या डायग्नोज करना चाहते हैं या फिर हम उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो इन तीनों में किसी भी एक चीज के लिए हम किसी भी ड्रग को लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो उसकी तो वो जो ड्रग होती है हमारी किस बॉडी पार्ट पे पर्टिकुलर किस बॉडी पार्ट पे अपना एक्शन शो करती है और क्या एक्शन शो करती है, उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस इंड्यूस करने पर द प्रोसेस विच, इसमें हम पढ़ते हैं एक्शन ऑफ ड्रग्स में कि इट इज द प्रोसेस बाय विच द ड्रग और केमिकल सब्सटेंस इंड्यूसेस चेंज इन द प्री एग्जिस्टिंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब भी हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस को या ड्रग को इनटेक करते हैं तो जिस प्रोसेस से वो हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल फंक्शन चेंज करते हैं, जो हमारी फिजिकल कंडीशन उसको चेंज करते हैं, कोई भी एक्शन शो करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्शन ऑफ ड्रग। उसके बाद हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग। इफेक्ट ऑफ ड्रग क्या होता है, द सीरीज ऑफ चेंजेस अकर्स आफ्टर ड्रग एक्शन इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ ड्रग। जब बहुत सारे चेंजेस होते हैं किसी भी ड्रग को लेने के बाद, बहुत सारे एक सीरीज में चेंजेस होते रहते हैं, तो उसके बाद एक पर्टिकुलर जो एक इफेक्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग। उसके बाद उसका क्या कॉन्सिक्वेंस निकलता है सारे चेंजेस होने के बाद, जैसे या तो हम अगर हमें फीवर है तो हमारा जो फीवर वो कम हो जाएगा, तो वो एक इफेक्ट है और वो किस वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में काफी सारे चेंजेस हुए होंगे जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो लो हो गया, तो इसे हम बोलेंगे इफेक्ट ऑफ ड्रग। उसके बाद फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे एक टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, कि जब हमारी कोई भी ड्रग है वो एक्शन शो करती है तो उसका जो लास्ट इफेक्ट होता है, मतलब वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से हम किसी भी डिजीज को ठीक कर सकते हैं या फिर किसी भी डिजीज को डायग्नोज करते हैं या फिर उसको प्रिवेंट करते हैं, तो हमारा जो फाइनल स्टेप होता है, फाइनल उसका जो इफेक्ट होता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, की किस किस प्रिंसिपल पे हमारी जो ड्रग है वो एक्ट करती है। ड्रग डू नॉट इम्पार्ट एनी न्यू फंक्शन टू एनी सिस्टम ऑर्गन और सेल्स, दे ओनली ऑल्टर द पेस ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटी। जो हमारी ड्रग्स है वो किसी भी फंक्शन को चेंज नहीं करती हमारी बॉडी में, वो सिर्फ क्या करती है उसकी ऑल्टर करती है पेस को, मतलब उसके रेट को ऑल्टर करती है, या तो कम कर देती है या फिर ज्यादा कर देती है किसी के रेट को, ऐसे वो हमारी बॉडी पे एक्ट करती है, बट वो किसी भी ऑर्गन को या उसके फंक्शन को चेंज नहीं करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ड्रग मे एक्ट ऑन द सेल बाय द फॉलोइंग वेज, ये हमारे पास कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से हमारी जो ड्रग है वो बॉडी के ऊपर एक्ट करती है। उसमें सबसे पहले है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन हमारे क्या होता है, सम ऑफ द ड्रग्स इंक्रीज द एक्शन ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड बॉडी सेल्स। स्टिमुलेशन होता है हमारा इंक्रीज करना, बढ़ा देना किसी भी, कोई भी हमारी एक्टिविटी हो रही है बॉडी में, कोई भी हमारी प्रोसेस हो रही है, अगर उसके रेट को बढ़ा देती है कोई भी ड्रग तो उसे हम बोलते हैं स्टिमुलेशन। वो एज अ स्टिमुलेंट, मतलब वो उस चीज को बढ़ा के हमारी बॉडी पे एक्ट कर रही है। इसमें एग्जाम्पल्स है, जैसे हमारा जो डोपामीन है वो इंक्रीज ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, इसलिए हम इसको
जो लो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें यूज करते हैं डोपामिन को। पिलोकार्पिन इंक्रीज सलाइवा, ये हमारे जो सलाइवा की सिक्रीशन है इसको बढ़ा देता है। जो कैफीन है स्टिमुलेट सीएनएस, जो हमारी सीएनएस की एक्टिविटी है उसको स्टिमुलेट मतलब उसको इंक्रीज कर देता है जो हमारा कैफीन होता है। तो ये सारे कैसे एक्ट कर रहे हैं, इंक्रीज करके, किसी भी एक्टिविटी को इंक्रीज करके जब कोई भी ड्रग एक्ट करती है तो वो हमारे किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रही है, स्टिमुलेशन प्रिंसिपल पे। सो नेक्स्ट देखते हैं, एंड जो हमारा ये जो स्टिमुलेशन होता है ये भी एक प्रॉपर मतलब एक मिनिमम मतलब ऑन जो हमारी क्वांटिटी होती है वो सही होनी चाहिए स्टिमुलेशन की। मतलब या तो बहुत ज्यादा भी स्टिमुलेशन नहीं होना चाहिए, बहुत कम की उसका पता ही ना चले। तो इसमें एक पॉइंट है, एक्सेसिव स्टिमुलेशन इज फॉलोड बाय डिप्रेशन। जब भी हम किसी भी बहुत ज्यादा स्टिमुलेंट दे देते हैं तो हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डिप्रेशन में। वो जो हमारी कोई भी ऑर्गन है या वो प्रोसेस है वो हमारी डिप्रेस हो जाती है एक्सेसिव स्टिमुलेशन की वजह से। तो हमारे सेकंड प्रिंसिपल है अब डिप्रेशन। जैसे हमारा स्टिमुलेशन तो ये जस्ट उसका अपोजिट है डिप्रेशन, मतलब किसी भी एक्टिविटी को कम करना, उसकी एक्टिविटी को डिप्रेस करना होता है। दिस ड्रग डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज सेल्स ऑफ अवर बॉडी एंड कॉज डिप्रेशन। इसके हमारे एग्जाम्पल्स हैं बारबिट्यूरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स, जो हमारी सीएनएस की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि जो कैफीन है वो हमारे सीएनएस की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, बट जो बारबिट्यूरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स हैं वो हमारे सीएनएस की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, इसलिए सीएनएस को डिप्रेस करते हैं ये। ओपियम मॉर्फिन हीरोइन आर ऑल्सो नोन एज डिप्रेसेंट्स। ओपियम मॉर्फिन और हीरोइन जितने भी हमारे नार्कोटिक ड्रग्स हैं ये सारे क्या करते हैं, सीएनएस की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्यूनिडीन। क्यूनिडीन है जो हमारी हर्ट की एक्टिविटी को कम करता है। जो हमारा हम लास्ट में पढ़ा था डोपामिन, वो हमारी हार्ट की एक्टिविटी और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा था, बट जो क्यूनिडीन है वो हार्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा था, इसलिए ये हमारे डिप्रेसेंट्स के एग्जांपल्स होते हैं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट थर्ड जो हमारा प्रिंसिपल है वो है इरिटेशन, कि कोई भी ड्रग है जो वो इरिटेशन कॉज करके हमारी बॉडी में अपना एक्शन शो कर सकती है। सम ऑफ द ड्रग्स एक्ट एज इरिटेंट्स बिकॉज दे कॉज इरिटेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। इसके एग्जांपल से हम अच्छे समझ पाएंगे कि क्या होता है इरिटेशन, जिसमें एग्जांपल हमारे बाम। जैसे हम कहीं भी हमें पेन हो रहा हो, कमर में होता है या सर दर्द होता है, तो उसके लिए हम बाम यूज करते हैं, झंडू बाम होगी या फिर जैसे इंडेक्स जो हमारी आती है एंड छोटी छोटी डब्बी में जो हमारी बाम आती है, जेली, जेली तो नहीं कह सकते उसको, ऑयली सी प्रिपरेशंस होती है, वो ऑयली क्रीम प्रिपरेशंस होती है, तो वो हमारे क्या करते हैं, पेन को डिक्रीज करते हैं। पेन को डिक्रीज कैसे करते हैं, वो जब हम उसको अप्लाई करते हैं हमारी बॉडी पे तो वो इरिटेशन कॉज करती है। मतलब हमें ना बहुत झंझनाहट सी ऐसे होने लग जाती है जहां पे, जिस भी जगह पे हम उसको अप्लाई करते हैं, और उसके जस्ट क्या होता है कि हम जो हमारा जो पेन हो रहा होता है ऑलरेडी उसको हम भूल जाते हैं और वो हमारे ध्यान में नहीं आता है, और इस वजह से वो ऐसे एक्ट करती है हमारे झंडू बाम और ये इंडेक्स, मतलब इसको इरिटेशन कॉज करके हमारे पेन को वो कम कर देती है। सिरप इपिसेक कॉज इरिटेशन इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड कॉजेस वॉमिटिंग। जब हम जब भी कोई भी ड्रग पॉइजनिंग होती है या फिर हम कुछ भी ऐसे सब्सटेंस खा लेते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है और हमें उसे वॉमिट आउट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, सिरप इपिसेक करते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा गैस्ट्रिकल जो म्यूकोसा होता है उसके अंदर इरिटेशन कॉज होगी, और जब इरिटेशन कॉज होगी तो जो हमारे वॉमिटिंग के जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और हमें वॉमिटिंग कॉज होगी, और इसकी वजह से जो हमारी कोई भी ड्रग की पॉइजनिंग या फूड पॉइजनिंग जो भी हमारी बॉडी में गलत सब्सटेंस चला गया वो बाहर निकल जाएगा और हम इस तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है सेना का। जो सेना होता है वो हमारे क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन को डिक्रीज कर देता है बाय इरिटेटिंग जीआईटी। मतलब जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसके अंदर इरिटेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी बावल मूवमेंट होती है वो इंक्रीज हो जाती है और जो हमारी कॉन्स्टिपेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर इरिटेशन होगी हमारे जो जहां पे भी स्टोर होता है, हमारे जो भी फीकल स्टोर होता है वहां पे अगर हमारी इरिटेशन होगी तो जो वहां पे सब्सटेंस है वो एक्सपेल्ड आउट मतलब बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और जिसकी वजह से हमारे जो है कॉन्स्टिपेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद हमारा फोर्थ इसमें जो है पॉइंट वो है रिप्लेसमेंट, कि हम रिप्लेस करके किसी भी दवाई को रिप्लेस करके किसी और सब्सटेंस से या किसी और जो नेचुरली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है उनको रिप्लेस कर देते हैं किसी भी ड्रग से, उसको ठीक करने के लिए, उसकी या फिर डेफिशिएंसी को कम करने के लिए। सम ड्रग्स यूज्ड एज रिप्लेसमेंट व्हेन नेचुरल ओकरिंग ड्रग सब्सटेंस इज फाउंड डेफिशिएंट। जब भी हमारी बॉडी में किसी भी नेचुरली ओकरिंग कोई सब्सटेंस है, हमें लग रहा है कि उसकी डेफिशिएंसी हो रही है हमारी बॉडी में, तो हम क्या करते हैं, ड्रग्स की फॉर्म में बाहर से
उसका जो भी हमारा जो सब्सटेंस है वो देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होएगा, जो हमारा जो नेचुरली ओकरिंग जो हमारी सब्सटेंस है बॉडी में, वो उस ड्रग से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा और अपना एक्शन शो करेगा। जैसे जब भी डायबिटीज होती है, तो डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, बॉडी में इंसुलिन कम रिलीज होता है, तो इसलिए हम इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को, ताकि वो रिप्लेस कर सके जो हमारे नेचुरली ओकरिंग इंसुलिन है और डायबिटीज को ठीक कर सके। ऐसे हम आयरन की गोलियां देते हैं एनीमिया में, और गोइटर में हम आयोडीन आयोडीन की गोलियां भी हो सकती है और इंजेक्शन भी हो सकते हैं। तो ये हम देते हैं किसी भी पेशेंट को ठीक करने के लिए गोइटर से। तो ये हमारा फोर्थ प्रिंसिपल हो गया। अब नेक्स्ट हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल है साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक का मतलब इसको आपको नाम भी समझ आ रहा होगा, साइटो मीन्स होता है सेल्स और टॉक्सिक होता है किसी को किल करना मारना। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो ड्रग्स है वो कैसे एक्ट करती है, जो भी जहां पे भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, तो ये उस सेल्स को या तो किल कर देती है, या फिर उनके जो उन सेल्स को उन सेल्स पे एक्शन शो करके हमारे उन सेल्स को बॉडी से रिमूव कर देती है। तो सम ड्रग्स साइटोटॉक्सिकली एक्ट ऑन पैरासाइट्स टू ट्रीट वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन बाय एक्टिंग ऑन पैरासिटिक और इन्फेक्टिव सेल्स। या फिर जो भी हमारे इन्फेक्शन, कोई भी पैरासाइट हमारी बॉडी में आए, तो उनके ऊपर एक्ट करके उनके अंदर इन्फेक्शन कॉज करती है और उन पैरासाइट्स को किल करती है। और जो हमारी जैसे सेल्स होती है, जैसे हमारे कैंसर होता है, कैंसर में हमारे जो सेल्स इंक्रीज हो जाती है, सेल्स का जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाता है, और कहीं पे भी एक जगह बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं। तो क्या होता है, जो हमारे एंटी कैंसर एजेंट जो ड्रग्स होती हैं, वो स्पेशली उन सेल्स के ऊपर एक्ट करती हैं जो कि हमारी इंक्रीज हुई है, जो कि हमें जरूरत नहीं है जिन सेल्स की, तो उनके ऊपर जो मतलब कार्सिनोजेनिक जो भी हमारी सेल्स होती है उनके ऊपर एक्ट करती है और उन सेल्स को किल कर देती है, ताकि आगे इन्फेक्शन जो है वो ना बढ़े। तो एंटी कैंसर एजेंट्स और एंटीबायोटिक्स इसके एग्जाम्पल्स हो गए साइटोटॉक्सिक के, जो कि हमारे साइटोटॉक्सिकली एक्ट करती हैं ड्रग्स। तो ये हमारे पांच प्रिंसिपल थे कि कैसे कैसे हमारी जो ड्रग्स है वो एक्ट करती है बॉडी में। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, कि हमने प्रिंसिपल पढ़ ली कि लास्ट में इनका क्या इफेक्ट होता है। तो अब इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि जैसे इरिटेशन है जो इसका इफेक्ट है, वो कैसे कैसे हुआ, मतलब बॉडी में क्या हुआ उस ड्रग को लेने से कि हमारा जो इरिटेशन है वो कॉज हुई। तो उसकी जो पूरी प्रोसेस है वो हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पढ़ेंगे कि हमारी जो ड्रग्स है वो कैसे कैसे एक्ट करती है, मतलब वो कौन सी प्रोसेसेस करती है, कैसे वो हमारी बॉडी में कोई भी इफेक्ट कॉज करती है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, की जो हमारी ड्रग्स हैं जो हम लेते हैं तो वो क्या एक्शन शो करती हैं, और अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पढ़ेंगे कि वो किस किस स्टेप से और किस किस पाथ को फॉलो करते हुए हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको एक्ट करती है, मतलब वैसा एक्शन शो करती है जैसे हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, किन किन पाथ और स्टेप्स को फॉलो करते हुए। द स्टेप्स एंड पाथ फॉलोड बाई ड्रग्स टू प्रोड्यूस इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। किसी भी बॉडी में कोई भी रिस्पॉन्स शो करने के लिए ड्रग का, वो जो ड्रग है हमारी सेवरल जो हमारे स्टेप्स और पाथ है उनसे फॉलो होते हुए एक्शन शो करती है, तो उसी को हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हम बेसिकली हम इनको दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट टाइम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थ्रू बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। या तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग के बेस पे हमारे जो ड्रग है वो एक्शन शो करे, या फिर हमारी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। तो फर्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। ड्रग्स में ऑल्सो एक्सर्ट इफेक्ट बाय फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डू नॉट इन्वॉल्व एंजाइम्स एंड रिसेप्टर्स। ये सिंपली हमारा फिजिकली चेंज करके बॉडी में, फिजिकली बॉडी में चेंज करके या फिर केमिकली चेंज करके हमारी बॉडी में अपना एक्शन शो करती है, इसमें किसी भी एंजाइम्स या फिर रिसेप्टर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो इसमें हमारा फर्स्ट एग्जांपल है एंटासिड्स। जो हमारे एंटासिड्स होते हैं वो वर्क करते हैं न्यूट्रलाइजिंग पीएच। जैसे हमारे अगर गैस्ट्रिक जो हमारा जैसे जो हमारा स्टमक होता है, हमारे स्टमक में जब भी एसिड के जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा एसिड फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से एसिडिटी कॉज होती है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें जो स्टमक का पीएच है उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, और इसके लिए हम एंटासिड्स का यूज करते हैं। तो इसमें हमारी कोई भी इस रिसेप्टर या फिर हमारा एंजाइम यूज नहीं हुआ है, सिंपली हमने उसकी जो फिजिकल कंडीशन है उसके पीएच को न्यूट्रलाइज करके अपना एक्शन शो किया है, तो इसलिए
ये हमारे इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आते हैं। उसके बाद हमारे सेकंड एग्जांपल है चिलेटर्स। चिलेटर्स क्या होते हैं, हमारे जो वो हैवी मेटल्स के साथ बाइंड करते हैं और उसमें जो हमारी किसी भी मेटल की पॉइजनिंग होती है, जैसे आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है, साइनाइड पॉइजनिंग होती है, तो उसको ठीक करने में हमारे जो चिलेटर्स हैं वो यूज होते हैं। उसमें जो हमारे डिसइनफेक्टेंट्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करके अपने एक्शन शो करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम को डायरेक्टली किल कर देते हैं और हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो शो करते हैं। उसके बाद हमारे सिल्वर नाइट्रेट एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो कि हमारे कॉस्टिक्स की तरह यूज होते हैं और ये हमारे सेल की डेथ या फिर लाइसिस करके अपना एक्शन शो करते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, या तो वो सेल को डेथ कर देंगे या फिर उनकी लाइसिस कर देंगे, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और अपना जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन को शो करना है वो शो करेंगे। उसके बाद हमारे जो मेन होते हैं वो यही होते हैं जो हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है थ्रू बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू हमारे जो एक्शन शो करते हैं उन ड्रग्स के बारे में देखते हैं। ड्रग्स कॉजेज चेंजेस इन आयन चैनल्स में एक्ट एज रिसेप्टर्स, एंजाइम्स एंड ट्रांसपोर्टर्स, या तो ये आयन चैनल्स को चेंज करके हमारे एक्शन शो करेंगे, या फिर रिसेप्टर्स एंजाइम्स के साथ बाइंड होके, या फिर ट्रांसपोर्टर्स के साथ बाइंड होके अपने एक्शन शो करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं एक्शन थ्रू एंजाइम्स। यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे एक एंजाइम है जो कि ये इसकी बाइंडिंग साइट है। यहाँ पे हमारे एक सबस्ट्रेट मौजूद है, तो क्या होता है कि जब हमारा एक्शन शो करना होता है किसी भी सबस्ट्रेट, हमारे क्या है, ये ड्रग है जो ड्रग बाइंड होने वाली है, तो जब ये ड्रग इस बाइंडिंग साइट के ऊपर बाइंड हो जाएगी एंजाइम के साथ, तो ये हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसकी वजह से हमारा जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो प्रोड्यूस होएगा। बट समटाइम्स क्या होता है कि काफी सारे इनहिबिटर्स या फिर इनहिबिटर्स मौजूद होते हैं जो कि इस सबस्ट्रेट को यहाँ पे बाइंड नहीं होने देते, वो खुद बाइंड हो जाते हैं या फिर उसकी एक्टिविटी को ऑल्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो एक्शन है वो शो नहीं हो पाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इनहिबिटर्स, हमारे जो दो टाइप के इनहिबिटर्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एंड फर्स्ट है हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है कि जब कोई भी जो हमारा इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट करके उसकी साइट ऑफ एक्शन पे बाइंड होता है, सेम साइट पे जहां पे सबस्ट्रेट को बाइंड होना था वहीं पे बाइंड होता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। मतलब वो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पिटिशन कर रहा है उस साइट को पाने के लिए, उस साइट पे बाइंड होने के लिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे एसी इनहिबिटर्स होते हैं जैसे कैप्टोप्रिल है, ये हमारे एग्जाम्पल होते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के। उसके बाद हमारे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, मतलब ये सेम साइट के लिए कम्पीट नहीं करता है बल्कि उसी सेम एंजाइम पे अपनी अलग साइट बना लेता है, जिसकी वजह से जो उसकी जो पहले वाली साइट है वो ऑल्टर हो जाती है और जो हमारा सबस्ट्रेट है वो बाइंड नहीं कर पाता है और जो इनहिबिटर है वो बाइंड कर जाता है एंजाइम्स पे। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बाइंड एट अनदर साइट, क्योंकि ये इसके साथ कम्पीट नहीं कर रहा सबस्ट्रेट के साथ, इसलिए इसको नॉन कॉम्पिटिटिव बोला जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स है हमारे एमएओ इनहिबिटर्स, मतलब एमएओ इनहिबिटर्स एक क्लासिफिकेशन है और उसके अंदर आते हैं हमारे इप्रोनियाजिड एंड फेनिलजीन। उसके बाद हमारे साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर्स, एस्प्रिन एंड इंडोमेथासिन। उसके बाद हमारा सेकेंड एक्शन है एक्शन थ्रू आयन चैनल्स। हमारे बॉडी में बहुत सारे आयन चैनल्स होते हैं, सोडियम आयन चैनल्स, कैल्शियम आयन चैनल्स, पोटेशियम आयन चैनल्स, क्लोरीन आयन चैनल्स, तो ये बहुत सारे चैनल्स होते हैं। तो ये जो क्या होता है इसमें हमारे इन चैनल्स को ऑल्टर कर देते हैं, या तो इनको क्लोज कर देते हैं या फिर इनको ओपन कर देते हैं। इसके थ्रू हमारा जो एक्शन शो होता है किसी भी ड्रग का, कोई भी ड्रग या तो सोडियम चैनल को क्लोज कर देगी, क्लोरीन को खोल देंगे, तो ये डिफरेंट तरह के हमारे चैनल्स होते हैं जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसके थ्रू हमारे जो भी कोई भी चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं एक्शन थ्रू आयन चैनल्स। इसमें हमारे तीन टाइप के मेनली आयन चैनल्स होते हैं, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, जी प्रोटीन रेगुलेटेड आयन चैनल्स एंड वोल्टेज गेटेड चैनल्स। तो इनके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। उसके बाद हमारे थर्ड है ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प से जब भी हमारे कोई भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है तो उसे हम बोलते हैं एक्शन थ्रू ट्रांसपोर्टर्स। तो मूवमेंट ऑफ सबस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर, जैसे हमारे ये सेल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर हमारे ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर है और ये इंट्रा सेलुलर है, मतलब सेल के बाहर का पार्ट है और ये सेल के अंदर का, मतलब साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है, और ये हमारी मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ही हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स है वो अवेलेबल होते हैं
जब भी कोई भी सब्सट्रेट या फिर कोई भी ड्रग आती है तो वो इस ट्रांसपोर्टर के साथ बाइंड हो जाएगी, और उसके बाद क्या करता है कि जो ट्रांसपोर्टर है ये अपनी कॉन्फ्यूग्रेशन चेंज कर लेता है, मतलब रोटेशन शो करता है, रोटेट हो जाता है इस फॉर्म से इस फॉर्म में, मतलब इसका जो पहले फेस माउथ था वो इस साइड था, अब इस साइड आ गया, तो इस साइड से इसने ड्रग को लिया और जो अंदर की साइड है हमारी इंट्रासेलुलर में ड्रग को छोड़ दिया। तो ये ऐसे एक्ट करते हैं हमारे ट्रांसपोर्टर्स। बट जब भी कोई इनहिबिटर प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है, जिसकी शेप है उसको चेंज कर देता है, जिसकी वजह से जो ड्रग है वो बाइंड नहीं कर पाता और ये जो इनहिबिटर है अपना एक्शन शो करता है। इनहिबिटर्स होते हैं जो कि ड्रग को बाइंड होने से रोक के उनको बाइंड ना होने दे और उनका एक्शन शो ना होने दे, उन्हें बोलते हैं हम इनहिबिटर्स। तो ये हमारा हो गया एक्शन थ्रू ट्रांसपोर्टर्स। उसके बाद हमारा लास्ट है एक्शन थ्रू रिसेप्टर्स। जब रिसेप्टर्स के थ्रू हमारी कोई भी ड्रग है वो एक्शन शो करती है तो उसमें क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करती है, सेम मतलब एंजाइम्स के साथ जैसे हमारे बाइंड करती है वैसे ही जो हमारी ड्रग है वो रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करती है। और वो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, या तो एक्टिवेट हो जाते हैं या फिर वो डिप्रेस हो जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली अपना जो एक्शन है उन्हें जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करना है वो शो करते हैं। तो मोस्ट ड्रग्स इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इंटरेक्शन विद स्पेसिफिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स लीडिंग टू मॉलिकुलर चेंजेस दैट प्रोड्यूस अ गिवन रिस्पॉन्स। मतलब उनके अंदर कोई भी चेंज होता है, मॉलिकुलर चेंज होता है, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। इनके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, रिसेप्टर्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो यहाँ पे हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन खत्म होता है, हमने चार तरह के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारे जो वीडियोस में हम देखेंगे ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस के बारे में, और हमारे इस चैप्टर को फर्दर हम मूव करेंगे। सो थैंक यू गाइज़।